नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आपका अपना चैनल हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन डलका मारा पे कुछ चर्चा करेंगे। डॉक्टर एलेन की नोट्स की बुक में जैसे उन्होंने बताए हैं ठीक उसी तरह से हम आपको बताएंगे और बुक को पढ़ करके सुनाएंगे, ताकि उसमें से उनके द्वारा बताए गए एक शब्द भी छूट न पाए। तो चलिए हम शुरू करें। तो पहले हम लोग डलका मारा का प्रकृतिक जान लेते हैं कि डलका मारा का प्रकृति क्या है। डलका मारा का प्रकृति यह औषधि सलेष्मा प्रधान है, कंठमाला ग्रस्त रोगियों के लिए उपयोगी है। रोगी हमेशा बेचैन और उत्तेजित रहता है। डलका मारा का रोगी हमेशा बेचैन और उत्तेजित रहता है। सर्दी जनित वात रोग या त्वचा रोग, जो सर्दी लगने से सीलन या बरसाती मौसम या गर्म मौसम में एकाएक परिवर्तन से पैदा हुए या बढ़ते हो, उसमें डलका मारा काम कर जाता है। ठंड लगने से पसीना रुक जाने से सलेस्मिक झिल्लियों से ज्यादा मात्रा में स्राव निकलता है। ऐसे रोगी जिन्हें तर जगहों में रहने या काम करने के कारण कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर साहब बताते हैं कि ऐसे रोगी जो गीली जगहों या तर जगहों में अगर वह रह रहा है और वहां रहने से रोगी को कोई बीमारी हो जाता है, तो उसमें रसटक्स काम कर जाता है। या किसी दूध की डेयरी में काम करते हैं तो भी अगर रोग हो जाता है तो उसमें भी डलका मारा काम कर जाता है। आगे बताते हैं, मानसिक उलझन, किसी चीज के लिए सही शब्द याद न रख सके, डलका मारा का रोगी जो है किसी चीज के लिए सही शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता है, ऐसा एलेन की नोट्स में लिखा गया है। त्वचा नाजुक रहती है, त्वचा जो है डलका मारा का नाजुक रहती है। ठंड के प्रति असही सूंड़ता, उद्भेद, खासकर पित्ती निकलने की प्रवृत्ति हर बार सर्दी लग जाने के बाद में, जिसको यह पुनरावृत्ति बना रहता है कि जब भी उसे सर्दी होता है तो सर्दी ठीक होने के बाद में पुनः उसे पित्ती, जिसे हम आर्टिकारिया कहते हैं, अगर निकल आता है, तो उस स्थिति में डलका मारा बहुत ही अच्छा काम कर जाता है। मलेरिया, अमवाद और रक्त जवर के बाद सर्वांग सोफ, डॉक्टर साहब बताते हैं कि मलेरिया, अमवाद और रक्त जवर के बाद जिसे शरीर में सूजन आ जाता है, उसमें भी डलका मारा अच्छा काम कर जाता है। जल सोफ, ड्रोप्सी, पसीना दब जाने से, उद्भेद बैठ जाने या ठंड लग जाने से उत्पन्न जल सोफ जो हो जाता है, उसमें डलका मारा अच्छा काम करता है। अब डॉक्टर साहब उदर और पेट के बारे में नोट्स में क्या बताते हैं। अतिसार, ठंड लग जाने से, सीलन युक्त जगहों में रहने से या नम कोहरा युक्त मौसम में गर्म से ठंडा मौसम हो जाने से अगर कोई
रोग उत्पन्न होता है तो उसके लिए डल का मारा उपयोगी है। मूत्र संस्थान के बारे में अपने नोट्स में क्या बताए हैं, बड़े बच्चों में ठंडे पानी में नंगे पैर घूमने फिरने के कारण सर्दी लग जाने से मूत्र का रुक जाना। थोड़ा अपने नोट्स में जो बताए हैं इस बात पर ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए बहुत कारगर साबित होगा। बड़े बच्चों में ठंडे पानी में नंगे पैर घूमने फिरने के कारण सर्दी लग जाने से मूत्र का रुक जाना। अगर बड़ा बच्चा है और ठंडे पानी में नंगे पैर अगर घूम फिर रहा है और उसके कारण उसका पेशाब रुक जाता है, मूत्र दूध जैसा सफेद होने लगता है या अनजाने में मूत्र निकलने लगता है, तो उस स्थिति में डल का मारा बहुत ही बेस्ट काम करता है। त्वचा, मासिक धर्म के पहले त्वचा पर दाने, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब कि मासिक धर्म होने से पहले महिलाओं के त्वचा पर दाने पित्ती निकल आते हैं, ज्यादा मात्रा में मासिक धर्म के साथ अगर निकलता है तो उस स्थिति में भी डल का मारा कारगर साबित होता है। पित्ती पूरे बदन पर जवर नहीं होता, खुजली, खुजलाने के बाद जलन होती है, सेंकने या गर्मी से बढ़ती और ठंड के प्रयोग से घटती है। इस बात को मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, पित्ती पूरे बदन पर जवर नहीं रहता है, पित्ती तो निकलता है लेकिन बुखार नहीं रहता है, खुजली मचती है उसमें, खुजलाने के बाद जलन भी होती है, सेंकने या गर्मी से बढ़ती है। जैसे ही उसे हम गर्मी या गर्म से सेंकते हैं तो खुजली बढ़ जाती है और ठंड के प्रयोग से घट जाती है। या उसी से नहीं, चाहे जो भी रोग हो, अगर यह स्थिति ऐसी बना है तो चाहे कोई भी रोग हो, अगर यह स्थिति बना हुआ है कि गर्म सेंक से अगर खुजली बढ़ जाता है और ठंडे प्रयोग से घट जाता है, तो डल का मारा ही एकमात्र ऐसी दवा है जो उसको ठीक कर सकता है। अब खोपड़ी, चेहरे, माथे, कनपट्टियों, ठुड्डी पर मोटी मोटी भूरे रंग की पपड़िया, इनके किनारे लाल से रक्त निकले, तो उस स्थिति में भी डल का मारा लेकर के हम ठीक कर सकते हैं। चेहरे और हथेलियों और उंगलियों पर बड़े बड़े मंसाल और चिकने मस्से, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। चेहरे और हथेलियों और उंगलियों पर बड़े बड़े मंसाल और चिकने मस्से जिनके निकलते हैं, उसमें भी डॉक्टर साहब का कहना है कि उसे भी डल का मारा ठीक कर सकता है। अब हम जानते हैं कि इसका रोगी किस स्थिति में बढ़ता है और किस स्थिति में घटता है। वृद्धि, साधारण ठंड से ठंडी हवा से और नम मौसम में। मासिक धर्म, फोड़े, फुंसिया और पसीना दब जाने से इसका जो रोग है वह बढ़ जाता है, और घटता है हरकत करने से, जैसे घूमने फिरने से इसका जो रोग है वह घट जाता है। तो डॉक्टर एलेन साहब ने इस तरह से अपने नोट्स में डल का मारे के बारे में बताए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बार बार सुनिए और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताइए। तो फिर हम अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।